हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का सिलेबस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर दोस्तों अभी तक आपने सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं ली है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सिलेबस की पहले PDF को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आज हम आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाएंगे। दोस्तों, चैप्टर नंबर फर्स्ट इसी वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर सेकंड भी फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का बहुत जल्दी पढ़ा देंगे। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और आपको 199 रुपीज़ का पे करना होगा। उसके बाद आप 1 साल के लिए उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। आपको सभी सब्जेक्ट की PDF उस ग्रुप में प्रोवाइड होंगी। और दोस्तों, जब आप ऐड होंगे उस ग्रुप में तो आपको स्टार्टिंग से नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले जब फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि इथिक्स और लॉ क्या होता है। तो पहले आप थोड़ा सा इंट्रो जान लीजिए। आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, यानी इसका इंट्रो नहीं है, बट हम आपको इसका इंट्रो समझाते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर फर्स्ट की स्टार्टिंग करते हैं। तो इथिक्स क्या होता है? इथिक्स और लॉ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जो आपका इथिक्स होता है और लॉ होता है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। दोनों का यूज़ सामाजिक तथ्यों को यानी ठीक करने के लिए किया जाता है। जो समाज में तथ्य होएं उनको ठीक करने के लिए दोनों का यूज़ किया जाता है। इथिक्स का भी यूज़ किया जाता है और लॉ का भी यूज़ किया जाता है। बट इसमें डिफरेंस ये होता है, जो लॉ होता है उसको गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी इसमें गवर्नमेंट अपना योगदान देती है, उसके बाद लॉ को तैयार किया जाता है। और इथिक्स में अपने अंदर के मॉरल का यूज़ किया जाता है। इथिक्स जो होता है, अपने अंदर के मॉरल का यूज़ करके इथिक्स को शो किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं होता है। जो आपके अंदर का मॉरल है वही होता है इथिक्स। तो आप थोड़ा सा इंट्रो इसका देख लें, इथिक्स और लॉ का। फिर उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा इंट्रो, जो आपका पूरा सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, ये क्या है, इसमें आपको क्या पढ़ना होगा। तो इस सब्जेक्ट के अंदर यह बताया गया है कि मेडिसिन से रिलेटेड इंडिया में कौन कौन से कानून प्रेजेंट हैं। यानी ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें यह बताया गया है कि इंडिया में यानी जो ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी एक्ट बनाए गए हैं वह कौन कौन से एक्ट हैं और वह एक्ट कब और क्यों बनाए गए। जो एक्ट तैयार किए गए ड्रग्स से रिलेटेड, वह एक्ट क्यों बनाए गए और कब बनाए गए, इसकी स्टडी इस सब्जेक्ट में की जाती है फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स को जुरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। यानी जो दोस्तों पहले सिलेबस चलता था उसका नाम था जुरिस्प्रूडेंस, उसके बाद इसको अभी चेंज कर दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। और उसके बाद मेडिसिन से रिलेटेड एक्ट को फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन कहा जाता है। जो मेडिसिन से रिलेटेड एक्ट होते हैं उनको फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन कहा जाता है। यह कानून इसलिए बनाए जाते हैं, यानी जो फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के अंदर जो कानून बनाए गए हैं, कि पेशेंट को अच्छी क्वालिटी की और इफ़ेक्टिव ड्रग प्राप्त हो सकें, इसलिए यह एक्ट बनाए जाते हैं। जो भी आपके एक्ट होंगे वह हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझाएंगे भी और उनके बारे में बताएंगे भी। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के अंदर क्या पढ़ा जाता है और क्यों पढ़ा जाता है। फिर आपका सिलेबस में टॉपिक है एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, यानी लॉ का जनरल प्रिंसिपल क्या होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स को हमने लिखा है दोस्तों, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से। जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है। बट जो आपके नेक्स्ट चैप्टर होंगे वह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे हम आपको बताते चलेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके
इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ बताते हैं। देखिए दोस्तों, ड्रग के कानूनों से रिलेटेड कुछ सिद्धांत निम्न हैं, यानी कुछ ड्रग के कानून यानी एक्ट बनाए गए उनके कुछ सिद्धांत हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, कानून सभी के लिए लागू होना चाहिए, यानी कोई भी अगर एक्ट बनाया गया तो भाई एक्ट सब पर लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गरीब जो इंसान है उस पर लागू होगा, अमीर इंसान है उस पर लागू नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्ट सब पर लागू होना चाहिए और पावर अलग अलग पर्सन के पास होनी चाहिए। अगर कोई एक्ट है, एक्ट में अगर कितने भी सदस्य हो सकते हैं, जैसे 15 सदस्य हैं, तो 15 सदस्य के पास अलग अलग पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितनी भी पावर है एक पर्सन के पास होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एक बार अपराध करने पर पर्सन को दो या अधिक बार सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर किसी पर्सन ने एक बार अपराध किया है कोई, तो उसको एक बार ही सज़ा मिलनी चाहिए। यह नहीं कि अगर उसने एक बार अपराध किया है उसको बहुत बार सज़ा मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी को न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। यह आपका प्रिंसिपल होता है, लॉ का प्रिंसिपल होता है। जब कोई लॉ तैयार किया जाता है तो उसका यह प्रिंसिपल होना चाहिए। तो इस प्रकार से लॉ जो होता है आपका, कोई कानून लागू होना चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत से एक्ट बनाए गए हैं, उन एक्ट के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बतानी है। और उसके बाद जो एक्ट तैयार किए गए हैं वह क्यों तैयार किए गए हैं वह आपके नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको विस्तार में बताएंगे। आपके जितने भी एक्ट की हिस्ट्री हम बताएंगे वह नेक्स्ट चैप्टर में, आपके बहुत से चैप्टर बनाए गए हैं उनका पूरा पूरा चैप्टर बनाए गए हैं, उसमें हम आपको समझाएंगे। तो पहला पॉइंट है, इंडिया के अंदर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग 19th सेंचुरी की एंडिंग में स्टार्ट हो गई थी। जो 19वीं शताब्दी थी उसके लास्ट में इंडिया के अंदर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई थी। और जो 19वीं शताब्दी से पहले, यानी कौन सी ड्रग का यूज़ किया जाता था ज़्यादा, आयुर्वेदिक सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा था और आयुर्वेदिक सिस्टम का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। और उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड आता है, फिर कुछ मल्टीनेशनल कंपनी ओपन हुई, यानी 19वीं शताब्दी के बाद कुछ मल्टीनेशनल कंपनी स्टार्टिंग हुई जिन्होंने ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग का वर्क जो है स्टार्ट कर दिया। 19वीं शताब्दी के बाद कुछ मल्टीनेशनल कंपनी स्टार्ट हो गई, उन्होंने ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग का वर्क स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 1901 में आचार्य पीसी राय के द्वारा बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की स्टार्टिंग की गई। यह जो पहली इंडस्ट्री थी आपकी वह थी बंगाल केमिकल, जो कि 1901 में स्टार्ट की गई थी। और किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, आचार्य पीसी राय के द्वारा बंगाल केमिकल स्टार्ट कर दी गई। उसके बाद सेकेंड नंबर पर दूसरी एक स्मॉल फैक्ट्री पैरल, यानी मुंबई, यानी पैरल एक स्थान है मुंबई का, वहाँ पर एक स्मॉल फैक्ट्री लगाई गई। 1903 ईस्वी में वह फैक्ट्री लगाई गई और किसके द्वारा लगाई गई, प्रोफेसर टी के गुर्जर थे जो उनके द्वारा वह फैक्ट्री ओपन की गई। फिर पॉइंट नंबर थर्ड आता है इसका, 1907 में प्रोफेसर टी के गुर्जर एंड बी डी अमीन के द्वारा एलम्बिक केमिकल, यानी बड़ोदरा में जो इंडस्ट्री लगी हुई है एलम्बिक, उनको ओपन किया गया, उस इंडस्ट्री को ओपन किया गया। और किसके द्वारा ओपन किया गया, टी के गुर्जर और बी डी अमीन के द्वारा 1907 में उस इंडस्ट्री को ओपन किया गया। तो दोस्तों इतनी आपकी हिस्ट्री थी कि किस प्रकार से इंडस्ट्री आई, कौन कौन सी इंडस्ट्री आपकी ओपन की गई। तो शॉर्ट में आपको इसकी हिस्ट्री पढ़ लेना है। फिर आपका टॉपिक आता है वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन, यानी फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट बनाए गए, जो हमारे इंडिया के अंदर एक्ट आए थे उनके बारे में आपको बताना है इसमें। तो पहला पॉइंट है, यानी 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में फार्मेसी से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं थे। जब 20वीं शताब्दी यानी 20th सेंचुरी की जब स्टार्टिंग हुई थी
तो इंडिया के अंदर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं थे, और 19th सेंचुरी में आपकी मल्टीनेशनल कंपनी स्टार्टिंग हो चुकी थी, वह ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रही थी। लेकिन 20वीं शताब्दी की जब स्टार्टिंग हुई थी तो उसमें दोस्तों कोई भी रूल एंड रेगुलेशन फार्मेसी से रिलेटेड नहीं था, कोई भी इतना इफेक्टिव रूल एंड रेगुलेशन नहीं था जिससे ड्रग की क्वालिटी प्योरिटी को यानी चेक किया जा सके, उसको रोका जा सके। फिर 1927 में स्टेट काउंसिल ने गवर्नमेंट को एक प्रस्ताव रखा, यानी 1927 ईस्वी में जो स्टेट काउंसिल होती है यानी राज्यसभा होती है, उसने गवर्नमेंट के पास एक प्रस्ताव रखा। उसमें कहा कि फार्मेसी प्रोफेशन के लिए और ड्रग से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। इस उस प्रस्ताव में पूछा, उसने बताया कि फार्मेसी से रिलेटेड एक रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए, और ड्रग की जांच करने के लिए रूल होना चाहिए, ड्रग की प्योरिटी को और ड्रग की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए रूल होना चाहिए। फिर 11 अगस्त 1930 में ड्रग की इंक्वायरी के लिए ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। 1930 ईस्वी में उसकी स्थापना की गई, ड्रग इंक्वायरी कमेटी की 11 अगस्त 1930 को, जिसके अध्यक्ष रामनाथ चोपड़ा को बनाया गया और ड्रग इंक्वायरी कमेटी की स्थापना कर दी गई। फिर आपका सन 1948 में फार्मेसी एक्ट को बनाया गया, यानी जितनी भी आपकी फार्मेसी चल रही है इंडिया के अंदर उसको कंट्रोल करने का वर्ग फार्मेसी एक्ट बनाया गया जो कंट्रोल करता है 1948 ईस्वी में। 1919 में पॉइजन से रिलेटेड एक एक्ट तैयार किया गया जिसको पॉइजन एक्ट कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में बनाया गया था, और इसके जो रूल्स आए थे जो जिस दिन से ये एक्ट चालू हो गया था स्टार्ट हो गया था यह 1945 में स्टार्ट हो गया था। फिर 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट तैयार हुआ, और 1960 में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट पास हो गया 1960 ईस्वी में, यानी एनिमल से रिलेटेड जितनी भी सेफ्टी होंगी वह आपकी इस एक्ट में बताई जाएंगी। 1960 में यह एक्ट तैयार हो गया था। उसके बाद नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में पास हुआ, जितनी भी नारकोटिक ड्रग होंगी उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कौन पर्सन नारकोटिक ड्रग को डिस्पेंस कर सकता है और ट्रांसफ़र कर सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, इस एक्ट में ये बताया गया है। और दोस्तों जो आपकी हिस्ट्री है, शॉर्ट में हिस्ट्री आपको पढ़नी है, आपको इंट्रो पढ़ना था, तो दोस्तों इतना टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर किया है, और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसको इसी वीडियो में कम्प्लीट कर दिया है। आप अपने नोट्स तैयार कर लें, अगर आपको नोट्स तैयार करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाएं, उसमें हम आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, और आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।